सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रामायण काल के एक प्रमुख पात्र रावण के पुत्र मेघनाद की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मारे जाने के बाद क्यों हंसने लगा मेघनाद का कटा हुआ सर? तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाद था, उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री चार घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूँ। राम सुलोचना की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आपबीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नर मुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए,
वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर को पुनः प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।